हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोलकाता की फेमस क्लब कचौड़ी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल ले लिया है एक पैन में। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा डाला है, कुछ दालचीनी डाली है और तेज़पत्ते डाले और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे, जब तक इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का रेड कलर ना आ जाए। साथ ही में मैं देखिए यहाँ पे एक प्याज कट करके रखी थी, एक बड़ा साइज़ का प्याज मैंने इसे बारीक कट करके रखा था। इसे मैं भूनूंगी, लगभग 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे। देखिए इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक बड़ा टमाटर ऐड कर रही हूँ, बड़े साइज़ का टमाटर है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहो तो इसकी ग्रेवी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल के मैं इसे 1 मिनट तक भूनूंगी। साथ ही में मैं देखिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ ही 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के मैं इसे फ्राई करूँगी। अभी मसालों को बहुत ही धीमी आंच में 1 मिनट के लिए भुनेंगे, जैसे हमारा मसाला जो है वो थोड़ा भुन जाए। अब देखिए मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने यहाँ पे देखिए अमूल का दही यूज़ किया है। अब मैं देखिए इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं देखिए आपको दिखाती हूँ। दही ऐड करने के बाद आपको गैस का फ्लेम जो है एकदम लो पे रखना है, जिससे दही फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। ये देखिए हम इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए दही कितने अच्छे तरीके से मसाले में मिल गई है और हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट जो था वो भी देखिए कितने अच्छे तरीके से मिल गया है। हमारा मसाला जो है एकदम अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं देखिए यहाँ इसमें मसाले में आलू ऐड करूँगी। आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, इसे देखिए हल्का हाथों से क्रश करते हुए इसे डालेंगे और इसे आलू के डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से चलाऊँगी, जिससे मसाले जो है वो आलू में अच्छे तरीके से मिल जाए और हमारा आलू भी हल्का फ्राई हो जाए। और ये टेस्ट सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कोलकाता की बहुत ही फेमस सब्जी है, आलू की सब्जी और क्लब कचौड़ी। इसे देखिए मसाले को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। आप चाहो तो इसमें काश्मीरी लाल भी डाल सकते हो कलर के लिए, आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हल्का खटास के लिए। मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर नहीं डाला क्योंकि मैंने यहाँ पे टमाटर जो है मैंने बड़ा साइज़ का टमाटर यूज़ किया, साथ ही मैंने दही डाला है तो वो ऑलरेडी थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी। अब मैं इसमें देखिए लगभग 1 गिलास पानी डाल के इस सब्जी को अच्छे तरीके से चलाऊंगी और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और कुछ कसूरी मेथी डाले। आप चाहो तो हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम बनाएंगे पूरी। पूरी के लिए मैंने देखिए यहाँ पे उड़द दाल को लगभग 2 से 3 घंटे भिगा के रखा था पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में लूँगी, साथ ही 1 पिंच हींग डालूंगी। हींग डाल के इसे मैं बारीक पीस लेंगे। अब मैं यहाँ पे लगभग 2 कप मैंने मैदा लिया है। इस मैदे में मैंने ये जो दाल की पेस्ट है इस पेस्ट को डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से हाथों से मिलाते हुए इसे एक अच्छा सा मिश्रण बना लेंगे, जिससे ये हमारी क्लब कचौड़ी जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही नरम बनेगी। ये से देखिए हमें पानी डाल के अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो पूरी का जो डो है वो तैयार है। ये देखिए अब इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से गूंथेंगे। इसे मसल मसल के हमें गूंथना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून थोड़ी सी ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए साथ ही में हमारा सब्जी जो है बन के तैयार है। अब मैं पूरी तलने के लिए कढ़ाई रखूँगी। अब देखिए पूरी बनाने के लिए आपको यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की लोई ले रही हूँ। लोई को गोल करते हुए हाथों से इसे प्रेस करते हैं। वहाँ पे देखिए जो बाज़ार में क्लब कचौड़ी मिलती है उसे तो हम अंगूठे से दबाते हैं, हथेली से दबाते हुए बस डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ घर में कैसे बना सकते हैं। तो अब बस इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे थोड़ा बड़ा कर ले। आप चाहो तो इसमें तेल भी लगा सकते हो। तेल लगाने से ये हाथों में चिपकेगी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। देखिए हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ये थोड़ी मोटी रहती है और बेलन का इस्तेमाल तो हमें करना ही नहीं। हम देखिए इसे हाथों से ही हल्का हल्का दबाते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। अब देखिए मैं दूसरा बना के दिखा रही हूँ। इसे बस देखिए हम लोई को लेंगे, लोई को लेके इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। प्रेस करके हमारा पूरी जो है वो तैयार हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। मैंने देखिए यहाँ पे लगभग इतनी सारी पूरियाँ जो है बना के रख ली है। अब हम इसे तेल में तलेंगे। तेल में तलने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप तेल लिया है। तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। पूरी तलते समय हमें ध्यान रखना है कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो और बहुत ज़्यादा ठंडा तेल ना हो, नहीं तो ये बहुत थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो ये हमें इसे गर्म तेल में हम फ्राई करेंगे। देखिए ये कितने आसानी से कितने अच्छे तरीके से फूल रही है और हमारी पूरियाँ एकदम अच्छी तरीके से फूलेंगी। ये देखिए हमारी पूरियाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल रही है। अब हम इसे अलट पलट के दोनों तरफ सेक लेंगे।
देखिए अब हम इसे पलट देते हैं। पलट देने के बाद ये कितनी अच्छी सी क्रिस्पी और करारी क्लब कचौड़ी हमारी जो तैयार है। इसे कलछल से आप इसके ऊपर तेल ऐसे स्प्रेड करते रहिए, ये पूरियाँ एकदम आसानी से फूल जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी करारी हमारी क्लब कचौड़ी बनके तैयार है। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब हम इसे सर्व करें। देखिए मैंने पूरी मैंने तल के रख ली है। आप चाहो तो इसका साइज़ बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो को देखो जूम करके दिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारी जो क्लब कचौड़ी और आलू की सब्जी है वो बन के तैयार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा स्पेशली। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को हिट करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।